कुसुम कुमारी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा ग्रुप समूह नंबर 3 है और जो हमें गतिविधि मिली है वो है चित्र पाठ, जिसमें कि हमने एलो लिया है मौखिक पठन या चर्चा से हम बच्चों को मुखर होने का समुचित अवसर देंगे या उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग का पूरा अवसर देंगे। फिर है हमारी विधा, होने वाली है प्रस्तुतिकरण और इसमें हम प्रश्नोत्तर विधि का सहारा लेंगे। फिर है हमारी शिक्षक सहायक सामग्री, इसमें हमने चित्र पोस्टर और कविता चार्ट तैयार किया है। फिर हमारे लिए मूल्य परक उद्देश्य यानी मॉरल वैल्यू हम क्या देने वाले बच्चों को, तो आप देख पा रहे होंगे खेल की भावना या टीम की भावना व बेहतर स्वास्थ्य। उसके बाद हमारी प्रश्न सूची है इसमें जो हम गतिविधि के दौरान करेंगे। चुप रहना। और इस पूरी गतिविधि को हमने 3 चरण में बांटा है। तो प्रथम चरण हमारा मौखिक चर्चा का होने वाला है। प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं आप, ये किस चीज का चार्ट है देख रहा है? इसमें सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रस्सी कूद रही है, तो
हमें संकल्प लेंगे। चक चक चकुम कभी न लड़े हम तुम, चक चक चकुम कभी न लड़े हम तुम, चक चक चकुम साथ खेले साथ बढ़े हम तुम। आप लोग भी करिए, चक चक चकुम साथ खेले साथ बढ़े हम तुम, चक चक चकुम साथ खेले साथ बढ़े हम तुम। आप कविता बन गई ना? यस वेरी गुड। अब एक चीज हमको ये देखनी है, अब गतिविधि तीन आप समय अनुरूप करा लेंगे। ये देखिए, ये है गतिविधि तीन। इसमें हम क्या करेंगे, हमने जाना है कि हम वर्ण को सबसे पहले नहीं पढ़ाएंगे। कविता बच्चों ने पढ़ लिया, चक चक चकदम तुकान शब्दों का उन्होंने क्या कर लिया, रसा स्वादित कर लिया। तो फाइनली जो हम करेंगे अब हम वर्ण पे लाएंगे, ठीक है बेटा। ये क्या था, चक चक चकदम खाना पढ़ो इसको, चकदम। अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हें यहाँ पे कोई चक वाला चा दिखता है? कहाँ है वो? ये है, ये देखिए। क्या बच्चों ये चा है? सभी को लगता है जी। अच्छा, अब बच्चों ये बताओ ये लाइन क्या थी, चक चक चकदम झूला झूले हम तुम। ये क्या है, झूला से झूला। यहाँ पे कहीं झा है क्या? यस मैम। कहाँ है? नीचे। नीचे है। आप लोग देखिए क्या करना, सही पहचाना है ये झा है। यस ओके। अब मुझे ये बताइए कि चक चक चकदम ये क्या था? रस्सी। रस्सी यानी ये रथ है। रथ होती है तो कहाँ पे? पीछे। बच्चा सही बताया, यस वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या गाया था, फिसलने के लिए, ठीक है फिसलना। यानी कि लाइन क्या थी, चक चक चकदम आओ फिसले हम तुम। ये क्या है, फिसले। कहाँ कहाँ है? चार नंबर पे। क्या चार नंबर पे है? है वेरी गुड। उसके बाद क्या है, खेले हम तुम। खेले ये क्या लिखा है, खेले हम तुम। खा लिखा है पांचवे नंबर पे, सही है वेरी गुड। उसके बाद क्या है, यानी कि आपने कौन कौन से वर्ण देखे, च छ र प ख, और ये पांच वर्ड आपको लिख के लेकर आने हैं। लेकिन जैसे मैम ने लिखा है ऐसे ही, और अगर आप एक बार में ना बना पाए तो देखिए इतने स्टेप्स में बने हुए हैं। आप पहले अभ्यास पत्र के ऐसे अभ्यास करेंगे तब फाइनल आपका ऐसे ही लिख कर आएगा जैसे मैम का आया है। जैसे आपने मिनटों में कविता बनाई वैसे ही आप मिनटों में एक वर्ड को सुंदर सुंदर लिख पाएंगे। कैसी लगी कविता? आप घर से इसमें और भी चार लाइन जोड़कर ला सकते हैं जो खेल आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में खेलते हैं। धन्यवाद।